हेलो गाइस, फरीदास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं परवल के सब्जी बहुत ही आसान तरीके से। पहले परवल को छील कर दो टुकड़ों में काट ले, फिर नमक और हल्दी डालकर इसे थोड़ी सी फ्राई कर ले। बस इसी तरह परवल को फ्राई कर ले। पैन हमारा गरम हो गया है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। इस सब्जी को हम बहुत ही कम मसाले में बनाएंगे। अब एक प्याज को काट कर तेल में डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो गया था। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच मिर्च पाउडर। जीरे धनिया को मैंने भून लिया था। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच। अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब हमारे सारे मसाले पक गए हैं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब एक टमाटर काट कर डाल दे। मेरे पास छोटे टमाटर थे, मैंने वही यूज़ किया। हमारे असम में तो ये टमाटर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब थोड़े से पानी ऐड करेंगे और मसाले को थोड़ी देर भूनेंगे। अब मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्राई किए हुए परवल को उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह इसे चलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह चलाइए। आंच को थोड़ी धीमी कर दे। अब इसे ढक दे और थोड़ी देर कुक होने दे। आंच को थोड़ा सा कम कर दे। अब सब्जी हमारे तैयार हो गया है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे खुशी मिलेगी। अब इसे आप रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं।